ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में सूर्यकुमार यादव ने आखिर के ओवरों में तूफानी बैटिंग करते हुए धमाल मचा दिया। सूर्यकुमार यादव ने पारी के 44वें ओवर में लगातार चार गेंदों पर चार छक्के जड़कर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज कैमरून ग्रीन के धागे खोल दिए। सूर्यकुमार यादव ने ग्रीन के पहले ओवर की पहली ही गेंद से ही अपने मंसूबे को जाहिर कर डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में करारा छक्का जड़ दिया। कैमरून ग्रीन की इस ओवर की दूसरी गेंद सूर्यकुमार यादव ने लेग साइड में स्कूप शॉट लगाकर 6 रन बटोर लिए। ग्रीन की तीसरी गेंद का भी वही हाल हुआ और सूर्यकुमार ने ऑफ साइड में जाकर दनदनाता हुआ छक्का जड़ा। सूर्यकुमार यादव यही नहीं रुके, उन्होंने चौथी गेंद पर भी छक्का जड़कर कैमरून ग्रीन की हालत खराब कर दी। ऐसा लग रहा था सूर्यकुमार यादव ओवर की सभी गेंद पर छक्का लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ ही सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 24 गेंद में अपनी 50 पूरी कर ली। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय भी बन गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव आखिर तक बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 72 रनों की पारी खेलने में कामयाब रहे। अपनी इस पारी में उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों का सामना किया। इस दौरान सूर्या ने 6 छक्के और 6 चौके लगाए। इसके साथ ही वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इंदौर वनडे में टीम इंडिया ने शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के साथ केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव की 50 के बदौलत निर्धारित 50 ओवरों के खेल में 399 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। वनडे क्रिकेट में इससे पहले भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 385 रन बनाए थे, जो इस फॉर्मेट में उसका कंगारू टीम के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर भी था।